नमस्कार दोस्तों, आगाज एग्री जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेशन मैंने आपके लिए बनाया है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी आपको देंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च करें @agrihindustan। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, जो कि फूड सिक्योरिटी और हंगर को डिफीट करने और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसका जो लैटिन मोटो है वो है फिएट पैनिस। अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका जो मीनिंग आता है टू लेट देयर बी ब्रेड, यानी सबको रोटी नसीब हो। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो अक्टूबर 1945 में हुआ था। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यानी जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एक सबसे ओल्ड एग्जिस्टिंग एजेंसी है जो कि अभी भी है। अब बात करेंगे हम इसका जो लोगो है, इसमें एक वीट की बाली बनी हुई है और FAO लिखा हुआ है और नीचे उसका मोटो लिखा हुआ है फिएट पैनिस। अब एब्रीविएशन देख लेते हैं। इसका जो एब्रीविएशन होता है वो होता है FAO, जिसको हम बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, यानी ये कब बन के तैयार हुआ। 16 अक्टूबर 1945, यानी आज से 74 साल पहले। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1945। ये किस टाइप की एजेंसी है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो लीगल स्टेटस है ये एक्टिव है, यानी अभी कार्यरत है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम इटली में है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FAO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो राइट आंसर होगा रोम इटली। अब बात करते हैं इसके हेड, यानी वहाँ के जो हेड होते हैं FAO के, वो डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं। प्रेजेंट में वहाँ के जो हेड हैं वो हैं क्यू डांग्यू, जो कि चाइना के हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में FAO के हेड कौन है। तो राइट आंसर होगा क्यू डांग्यू। अब बात करते हैं पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा www.fao.org। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है कि 1951 में, in 1951, FAO's headquarters were moved from Washington DC यूनाइटेड स्टेट्स टू रोम इटली। यानी 1951 में जो FAO का हेड क्वार्टर था वो वाशिंगटन DC से रोम इटली में ले जाया गया। दूसरा है FAO इज हेड क्वार्टर्ड इन रोम इटली, यानी इसका जो हेड क्वार्टर फिर से बनाया गया वो रोम इटली में, जो कि वाशिंगटन DC से उठकर रोम इटली में गया था। नेक्स्ट है इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट दियर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव एंड डेवलप एग्रीकल्चर। ये गवर्नमेंट और डेवलपमेंट एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज़ में इम्प्रूव लाता है और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड लैंड वाटर रिसोर्सेज को भी डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट है इट आल्सो कंडक्ट्स रिसर्च, प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट्स। ये रिसर्च को भी कंडक्ट करता है और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कराता है, और
एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ये ऑपरेट करता है एंड कलेक्ट डाटा ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के आउटपुट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन डाटा होते हैं उन सबको ये कलेक्ट भी करता है, चाहे उसके डेवलपमेंट से हो चाहे उसके प्रोडक्शन से हो। नेक्स्ट है, कंपोज्ड ऑफ 197 मेंबर स्टेट्स द FAO इज गवर्न्ड बाई ए बाइनियल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटिंग ईच मेंबर ऑफ कंट्री। ये इसमें टोटल 197 मेंबर्स होते हैं जो कि FAO को गवर्न करते हैं बाइनियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। प्रत्येक कंट्री के एक मेंबर इसको गवर्न करता है बाइनियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अगला है, इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है द डायरेक्टर जनरल करेंटली क्यू डांग्यू ऑफ चाइना सर्व्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यानी जो डायरेक्टर जनरल है वही वहाँ का हेड होता है FAO का, और वो कौन है, क्यू डांग्यू, यानी 2020 का जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं या हेड हैं FAO के, वो हैं क्यू डांग्यू जो कि चाइना के हैं। ये एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। आगे बात करते हैं हम, इसके अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं। फूड एग्रीकल्चर में टोटल 8 डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। FAO इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 डिपार्टमेंट्स, यानी 8 डिपार्टमेंट्स से ये मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला है एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी, चौथा है लैंड एंड वाटर डिपार्टमेंट, पांचवा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, छठा है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सातवां है फॉरेस्ट्री, और आठवां जो है वो है कॉरपोरेट सर्विसेज एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। ये टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं इसके। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल, यानी अब तक के कौन कौन कितने डायरेक्टर जनरल हुए थे और कौन कौन थे। तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट के ही बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे जॉन बॉयड ओर, अक्टूबर 1945 से अप्रैल 1948 तक ये डायरेक्टर जनरल रहे, यानी हेड रहे वहाँ के। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के थे विनय रंजन सेन थे ये नवंबर 1956 से दिसंबर 1967 तक वहाँ के जनरल डायरेक्टर जनरल या फिर हेड रहे। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में कौन है। प्रेजेंट में है क्यू डांग्यू जो कि अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक वहाँ के हेड रहेंगे। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो अगस्त 2019 से स्टार्ट होकर 31 जुलाई 2023 को ख़त्म होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में ये पूछ भी ले। अब बात करते हैं हम प्रायोरिटी वर्क एरियाज़, यानी ये किन एरियाज़ पर मुख्य रूप से काम करता है। तो यही है कि हेल्प एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन, फूड इनसिक्योरिटी और हंगर से लड़ने का काम करता है। दूसरा है टू सपोर्ट फूड सिक्योरिटी एंड बाय मेकिंग श्योर दैट अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट हंगर एंड न्यूट्रिशन चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। तो हंगर और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं और उनका जो सोल्यूशन है उसको ये देता है और फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। तीसरा है मेक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज को ये और भी प्रोडक्टिव बनाता है और भी टिकाऊ बनाता है। अगला है रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, ये ग्रामीण पॉवर्टी को रिड्यूस करता है और हेल्प द रूरल पुअर गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। उनको जो भी सर्विसेज या रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उसको भी एक्सेस कराने का काम करती है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि फेस्टिवल, FAO का एक फेस्टिवल होता है जिसको हम 100 लीयर के नाम से जानते हैं।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, कि जो FAO का फेस्टिवल है वो उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसका जो नाम होता है 100 लेयर। दोस्तों 100 लेयर ये जो फेस्टिवल है, इसका जो मुख्य रूप से मोटिव है, या फिर उसमें जो एक सिक्का होता है उस पे ये शो किया रहता है, पहले सिक्के के एक सिक्के के एक तरफ में लिखा होता है, बाईं ओर की तरफ मुंह करके एक युवती होती है, एक लेडीज़ होती है, उस पे लिखा होता है रिपब्लिका इटालियाना, ये इटली गणराज्य से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है रिपब्लिका इटालियाना, और एक लेडीज़ है जो बाईं ओर की तरफ मुंह करके बैठी है। और सिक्के के दूसरे तरफ में, यानी दूसरे पहलू पे लिखा हुआ है गाय नर्सिंग बछड़ा, यानी गाय एक बना हुआ है, वो अपने बछड़े को दूध पिला रही है। उस पे मूल्य लिखा हुआ है और तारीख लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लीयर लिखा हुआ है और 1979 लिखा हुआ है, और इसके तल पर FAO लिखा हुआ है, यहाँ पर FAO यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और एकदम ऊपर शीर्ष पर लिखा हुआ है नटायर इल मोंडो, यहाँ पर लिखा हुआ है नटायर इल मोंडो। तो इसका जो मतलब होता है नटायर इल मोंडो का, दुनिया को खिलाओ। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन को मनाने और बढ़ावा देने के लिए ही 1970 के दशक में ये इटली द्वारा बनाया गया था, ये जो फेस्टिवल है ये इटली के द्वारा बनाया गया था। तो FAO के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।